फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज करीब 5% की तेजी बनी। क्या ये तेजी का दौर अब जारी रहने वाला है? जो माहौल बन रहा है, क्या ट्राइडेंट लिमिटेड यहां से स्टॉक दौड़ सकता है? ट्राइडेंट लिमिटेड ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 27 अगस्त की उसकी AGM हो चुकी है, उसमें से जो निर्णय निकल के आया उसके हिसाब से ट्राइडेंट लिमिटेड फंड रेजिंग करने जा रही है NCDS के माध्यम से, और उस फंड का इस्तेमाल करेगी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो जो ये निर्णय लिया जा रहा है, क्या ये ट्राइडेंट की सेहत के लिए अच्छा है या फिर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? तो इसके ऊपर जो एक विस्तृत रिपोर्ट है उसको हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ट्राइडेंट जो निर्णय ले रहे हैं वो उसके लिए दूरगामी अच्छे परिणाम साबित कर सकते हैं, तो उनको जानेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड में इस समय क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या यह जो प्राइस है वो फेयर है या फिर ओवर वैल्यू है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। जिस तरह से पिछले एक साल में इसने प्रदर्शन किया है, करीब 6 रुपये से स्टॉक दौड़ते हुए करीब 22-23 तक पहुंचा है, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न मिला। क्या यही जो परिपाटी है इसकी आगे भी चलेगी? ऐसे ही प्रदर्शन आगे भी करता रहेगा स्टॉक, वैसे ही रिटर्न दे पाएगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 21.55 पर, हाई 22.60 की है, लो है 21.30 का। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है 5% के अपर सर्किट के साथ में, यानी क्लोजिंग ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें अपर सर्किट लगा है, अगर 5% का सर्किट नहीं होता तो यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती थी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम निकल के आ रहा है। अगर पिछले एक महीने पहले की बात करें तो 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लोगों की खरीदारी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ रही है। अगर इसके BSE की बात करें तो 54,55,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 22,41,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 41.09% है। NSE की बात करें तो 3,36,78,000 का वॉल्यूम हुआ और 1,75,63,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 52.15%। तो बहुत ही भारी मात्रा में, यानी करीब 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अगर सेलर बायर की बात करें तो आपको पता ही होगा सेलर तो कोई है नहीं, अपर सर्किट लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी करीब बहुत ही भारी मात्रा में, यानी 15,73,000 बायर खड़े थे क्लोजिंग के बाद भी। ज़बरदस्त माहौल तेजी का बना हुआ है। 6.25 52 वीक का लो है और 22.65 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल यह स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के पास पहुंच चुका है, यहां से इस बार ये नई हाई बनाएगा डेफिनेटली कल के दिन में। माहौल तेजी का बना है, स्टॉक बहुत ही मजबूत लग रहा है और जो निर्णय इसके लिए जा रहे हैं वो निर्णय सब पॉजिटिव है। तो इसके बीच में जो कंपनी लगातार जो फंड रेजिंग कर रही है, जो कर्ज ले रही है, क्या वो निर्णय अच्छा है? तो जो बातें निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो कर्ज को चुकाने की कैपेसिटी उनकी है, क्या उनके पास वो काबिलियत है कि वो उस कर्ज को चुका पाए? अगर कोई कंपनी कर्ज लेती है तो ये तो अच्छी बात है, उनसे उनका बिजनेस बढ़ता है, लेकिन फिर से उनके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कर्ज को चुका पाए। तो जो जो ट्राइडेंट लिमिटेड है फ्रेंड्स, उसके पास बहुत अच्छी वो कैपेसिटी है कि वो अपने लिए हुए कर्ज को चुका सके, क्योंकि जो उनका बिजनेस जो एक्सपांड वो कर रहे हैं, वो लगातार वृद्धि दर वृद्धि, अच्छे बिजनेस उनके बढ़ रहे हैं, कारोबार अच्छा हो रहा है, वो रिटेल बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, साथ में अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं, और अपना जो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। यानी पिछले दिनों उन्होंने, आपको पता ही होगा, वॉशिंग पाउडर की नई लॉन्चिंग की है, बहुत ही शानदार वॉशिंग पाउडर बनाया। इसी तरह से उनके जो रिटेल शोरूम है पूरे इंडिया के अंदर लगातार बढ़ रहे, तो ये कारोबार इनका बहुत बढ़ रहा है और इसी वजह से उसकी फंड रेजिंग की जा रही है ताकि कारोबार को वो आगे बढ़ा पाए। पिछले दिनों उन्होंने रोटर्स और स्प्लेंडर्स की भी वृद्धि की है ताकि उनका जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। तो ये निर्णय बहुत अच्छे लिए जा रहे और इसी वजह से जो कर्ज लिया जा रहा है वो निर्णय उनका अच्छा है और इस निर्णय की वजह से कारोबार को में वृद्धि हमें देखने को मिली। लेकिन वो साथ में पिछले दिनों उन्होंने अपने कर्ज को भी काफ़ी अच्छा कम भी किया है। अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट के ऊपर करीब 15.6B का डेट है जो मार्च 2021 में था, और उससे पहले करीब 19.9B था एक साल पहले, तो उसमें कमी की है। ऊपर से उनके पास जो कैश है वो करीब 1.07B का है, तो इस तरह से जो उनका टोटल डेट बैठ रहा है वो 14.5B तक ही है। तो
काफ़ी कम कर्ज है कंपनी के ऊपर, इतना बड़ा कर्ज नहीं है। और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 107.2 भी है, तो उसके हिसाब से जो ये जो लाइबिलिटीज है वो आराम से वो मैनेज कर पाएंगे, कोई बड़ी इनके लिए दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो कंपनी के द्वारा लगातार जो फंड रेजिंग की जा रही है, जो कर्ज लिया जा रहा है, वो एक अच्छा निर्णय है और इसकी वजह से कंपनी के कारोबार में बहुत जल्द बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जिस तरह से कंपनी अपना जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है आने वाले 2025 तक कंपनी के लिए जो विजन 25 पेश किया उसके तहत कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाना है और कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग हो, चाहे वो उसके शेयर होल्डर क्यों ना हो, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये निवेश का बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है, यहाँ पे आपको निवेश करना ही चाहिए। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 79% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 10% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो 79 और 11 को अगर जोड़ते हैं तो करीब आप देख लो 90% लोग इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो आप देख लो 100 में से 90% लोग इसको खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टॉक तो बहुत मजबूत है। अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को भी डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छे वहाँ पे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। रिवेन्यू कंपनी का 1.48,000 करोड़ रुपीज़ का है, तो करीब 109.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 206.81 करोड़ रुपीज़ की है, तो वहाँ पर 1,945.6% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड EPS 0.41 है, तो वहाँ पर भी करीब 1,950% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.95%, 875.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वहाँ पर भी बढ़त है। तो जो आंकड़े हैं बहुत ही जबरदस्त है और इन आंकड़ों के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। ये स्टॉक जब 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब से मैं इसमें खरीदारी की सलाह दी है, स्टॉक 22 तक पहुंच चुका है, लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, परंतु इसकी जो रफ्तार है रुकने वाली नहीं है, ये स्टॉक आगे भी दौड़ता रहेगा। जल्द से जल्द यानी आने वाले 1 से 2 साल का इसका टारगेट आप 100+ समझ सकते हैं, ये वहाँ तक जाएगा। आप निवेश इसमें करें और ये स्टॉक तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देता रहेगा। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपके सामने निकल के आएंगे। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 20.78 फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट इसका 20.20 का है, थर्ड सपोर्ट 19.58 का है। तो नीचे की तरफ फिलहाल इसकी जो लेंथ बन रही है वो 19.5 के आसपास है, ऊपर की तरफ ट्रेड करने पे 21.98 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट 22.42 का है, थर्ड टारगेट 23.18 का है। तो ऊपर की तरफ अभी ये 23 में जाने को तैयार है, यानी इस बार ये नई हाई बनाएगा। निवेश बिल्कुल करें, स्टॉक अच्छा लग रहा है और मैंने आपको कहा है कि फिलहाल अभी इसमें 25 तक की जाने की संभावना है, वहाँ से फिर इसमें नीचे करेक्शन का दौर आएगा, स्टॉक आपको नीचे की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी किसी भी लेवल पर इसमें खरीदारी करें, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक बहुत अच्छा है। टेक्सटाइल के कारोबार को PLI स्कीम पार्ट 2 का पूरा फायदा मिल रहा है, सरकार की जो योजना है उसका ये फायदा उठा रहे क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल का बिजनेस है, साथ में कंपनी लगातार अच्छे अवार्ड भी पा रही है, तो उनका बिजनेस तो अच्छा है, आइडिया भी उनका बिजनेस का अच्छा है और लगातार बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो जो कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, जो कर्ज बढ़ा रही है, उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी का जो कारोबार है वो बिल्कुल पटरी पे और निवेश आप करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।